आज हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं दाल फ्राई राइस बनाने जा रहा हूँ। तो आज आप देखिए वीडियो को कंटिन्यू। दोस्तों मैंने दाल ये कुकर में रख दिया और पानी थोड़ा, और इसके अंदर अभी हल्दी नमक डाल देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये हल्दी है और हल्दी मैंने इसके अंदर डाल देता हूँ दोस्तों। हाफ चम्मच हल्दी मैंने डाल दिया है और इसको 2 से 3 सीटी मारता हूँ दोस्तों। मैंने कुकर के अंदर रख दिया है, कुकर बंद कर दिया, देखते हैं 2-3 सीटी में। और चावल भी रख दिया दोस्तों। और अभी दाल फ्राई के लिए सब, अभी मैं टमाटर ये सब हरा धनिया सब कटिंग कर लेता हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों दाल मेरा हो गया है, दाल हो गया है। तो दोस्तों मैं दाल फ्राई करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इसमें ऑयल डाल देता हूँ। टमाटर मैंने लिया है, कड़ी पत्ता और प्याज मैंने 3 काटिंग कर लिया बड़ा बड़ा, हरा धनिया और मिर्चा बड़ा बड़ा कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से मेरा रेडी हो गया है दोस्तों दाल फ्राई के लिए। और अभी मैं इसके अंदर सब तड़का लगाने जा रहा हूँ दोस्तों दाल फ्राई का। तो दोस्तों बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर डाल देता हूँ दोस्तों इस तरह से। और इसको अच्छे से चला देने का, इस तरह से घुमा देने का। तो इस तरह से मैं इसको घुमा देता हूँ दोस्तों। और इसको गलने के लिए थोड़ा टाइम छोड़ देते हैं, हल्का रेड जब भी हो जाएगा तभी टमाटर वमाटर डालने का। तभी मैं इसको डाल दिया हूँ। और बारीक कटा हुआ जो मेरा बारीक कटा हुआ मिर्चा है वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर इस तरह से। तो दोस्तों मेरा अभी रेडी हो गया है प्याज गल के। तो अभी मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल देता हूँ इस तरह से, पत्ता में डाल दे रहा हूँ कड़ी पत्ता। और इसको फिर से हल्के से चला देने का। और थोड़ा और रेड कर देता हूँ और कड़ी पत्ता भी अच्छे से पक जाएगा। तो ढक के रख देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरा अभी रेड हो गया। अब इसके अंदर टमाटर हरा धनिया सब डाल देता हूँ दोस्तों इस तरह से। और इसको फिर से ढक के रख देते हैं दोस्तों, टमाटर गलने लगेगा तभी इसको फिर दाल इसके अंदर डालने का दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से इसको चला लेने का, एक अच्छे से घुमा देने का। और टमाटर देखिए भी गल गए हैं। तो दोस्तों मेरा टमाटर अभी हो गया है गल के। और इसके अंदर अभी मैं दाल डालने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने जो ये दाल डाल दे रहा हूँ इसके अंदर दोस्तों, तो मैं दाल इसके अंदर डाल देता हूँ। देखिए इस तरह से इसके अंदर दाल डाल दिया मैंने, तुअर का दाल लिया मैंने। और इसके अंदर अभी दाल डाल दिया, देखिए ये बन के रेडी हो गया दोस्तों मेरा दाल फ्राई।
देखिए दोस्तों, मेरा जो दाल बनके रेडी हो गया दोस्तों, रेडी हो गया है। अब इसको मैं ढक के रख देता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। तो दाल मेरा देखिए बनके रेडी हो गया दोस्तों, और इसको भी गैस में बंद कर देता हूँ।